हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को, नेगेटिव एनर्जी को खत्म किया जाए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रोसेसर बता रही हूं, ये मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी तरह आप लोगों ने भी स्कूल टाइम से लेकर बड़े होने तक हम सभी ने पता नहीं कितनी नोटबुक को लिखकर भरा होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि लिखने से जीवन बदल सकता है क्या, या लिखने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या सिर्फ लिखने से कोई विश पूरी हो सकती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तो चलिए जानते हैं इन सबका उपाय क्या है। मान लीजिए आप बहुत दिनों से कुछ नया करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे, या फिर किसी इंसान से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, या आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी जिंदगी से निकल जाए, या आपकी कोई इच्छा जो कि बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लाइफ में कभी ना कभी फेस जरूर करते हैं। तो दोस्तों, इन प्रॉब्लम का एक सीक्रेट मेथड है, जिसको करके आप इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको किसी भी विश को पूरा करने का मेथड जरूर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक साथ बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका कोई ड्रीम गोल है या फिर कोई ऐसा कार्य है जो कि काफी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसको एक पेपर पर लिख लेना है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। तो आपको वो प्रॉब्लम एक ब्लैक पेन से ब्लैंक पेपर पर लिखना है और उस पेपर को आग से जला देना है, और जब वो पेपर पूरी तरीके से जल जाए तो उसके धुआं को हवा में उड़ा देना है। क्योंकि माना जाता है कि कागज पर अपनी भावनाओं को लिखकर आप यूनिवर्स तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ये यूनिवर्स से जुड़ने का एक कारगर तरीका है। प्राचीन काल में लोग इस मार्गदर्शन को निभाते थे। दोस्तों, कागज जलाने का एक अन्य उद्देश्य नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करना भी है। ऐसी भी मान्यता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए द बर्निंग रिचुअल इन सब में मदद कर सकता है। तो चलते हैं अब दूसरी प्रॉब्लम की ओर। अगर कोई आपको मेंटली परेशान कर रहा है और आप उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, तो 17 बार ब्लैक पेन से लिखकर उस पेपर को जला दें और कुछ ही दिनों में आपको उसका असर देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं आपकी विश की। अगर आप अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं और काफी समय से वह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको अपनी विश को 55 बार ब्लैंक पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है, और यह आपको प्रोसीजर सुबह शाम करना है। आप चाहे तो ब्लैंक पेपर के पीछे भी लिख सकते हैं और उस पेपर को फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेना है, और ये तब तक रखना है जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं हो जाती है। अब दूसरा तरीका, आप अपनी विश को प्लेन पेपर पे एक पेन से लिखे और अब आपने जो लिखा है उसको अपने मन में बोले और उसे जला दे। ऐसा करने से कुछ ही देर में आपकी इच्छा पूरी होने लगती है। दोस्तों, अगर आप अपनी इच्छा को प्रकट करने का या सबके सामने एक्सप्रेस करने का कुछ एक आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो कागज जलाना ही सबसे अच्छा उपाय है। जैसे ही कागज जलता है, कल्पना कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। आप अपने लक्ष्य की पाने वाली भावनाओं के उत्साह को महसूस करें। मैनिफेस्टेशन के लिए द बर्निंग रिचुअल आपकी अचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने और अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने का ये सबसे शक्तिशाली तरीका है। कागज पर किसी इच्छा को लिखकर जलाना मैनिफेस्टेशन का एक आसान तरीका है, और उसके बाद आपको सारी नेगेटिव थॉट से दूर रहकर आपको बस ये सोचना है कि आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सारी विशेष को पूरी कर रही है और आपकी सारी इच्छाओं को आपके पास लेकर आ रही है। इस मेथड की खूबसूरती यह है कि आपको बोलने या माफ करने की जरूरत नहीं है। संघर्षों का सॉल्यूशन माफ करना या भूलना नहीं है, जबकि उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।